आप सामने देख सकते हो दोस्तों, कितना अद्भुत, कितना शानदार नजरे हैं। एक बार आवाज दी और ये सारी गायें यहाँ चला के आ गई है। सर, इनके बारे में बताइए, क्या कौन सी गायें हैं यहाँ पे, कौन सी कैटेगरी की है? सब जो अभी 3-4 महीने का प्रेग्नेंट हुआ है, हाँ, वो गाय सब इधर रखते हैं जी। वो नीचे वाड़ा आप खाली देख रहे हैं ना, वहाँ पे सब चले जाएगा। ये जो अपना सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था, वहाँ गायें अभी चली जाएगी। तो इनको ऊपर लाने का और नीचे रखने का क्या आपका उद्देश्य रहता है? मतलब जो दिन में तड़के धूप में रखते हैं, वो जो ठंडी का माहौल है, इसलिए इसको ठंडी नहीं, इसे दाप चाहिए, इसलिए पूरा दिन ऊपर रखते है। जो गर्मी का माहौल होता है जी, तब नाइट में ऊपर रहते है, दिन में नीचे रहते है। तो सारी गायें दूध देने वाली है? ये गाय तो सब प्रेग्नेंट है, दूध बाद में देगा। अभी प्रेग्नेंट है सारी, बच्चा देने वाली है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में। ये सामने जो व्हाइट कलर की दिख रही है, ये कौन सी नस्ल की गाय है सर? गिर गाय है। गिर गाय है, पर ये अलग पंचरत्न गाय है। इसका क्या फायदा होता है सर? वो जो उसका दूध खाने के लिए जो शरीर में कोड़ा कोड़ा डाग होता है जी, आप कोड बोलते है जी, कोड का डाग होता है, कोई डाग का गाय है। काफी शानदार गाय दिख रही है सर। ये भी देखिए कितनी कटकाटी, कितने महीने की होगी लगभग, ये कितने साल, कितना अलग अलग कैटेगरी? 5 साल की है। इसमें 25 साल की गाय भी है, वो देख रहे हैं, वो 22 साल की गाय है। 25 साल की गाय भी है, क्या एवरेज दूध रहता होगा उसका? उसका 25 साल 20 साल बाद दूध कम हो जाएगा थोड़ा सा। और सर ये मैं बताऊँ, आपकी गौशाला मेरे को चारों तरफ दिख रही है, ये क्या एनवायरनमेंट को ये पहाड़ के ऊपर बनाई गई है, कैसे इसका डिजाइन किया गया है, कुछ आपको आइडिया है इसका? पहला पहाड़ था, पहाड़ रेवल करके गौशाला बनाया है। और ये सामने मेरे को मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से, तो इस मंदिर का भी आरती वारती पूजा वूजा यहाँ पे करते होंगे आप? तो ये मंदिर का यहाँ बनाने का क्या उद्देश्य था? मंदिर में उसका जो मंदिर जैसे घूमट बनाया है, वो 21 घूमट है इधर पूरे गौशाला में, 21 घूमट है। घूमट में ऊपर गौशाला में मंदिर ध्वजा चढ़ाई जाती है, वो 1 महीने बाद ध्वजा बदलती रहती है। और सर आपसे पूछे, आपने बोला कैमरे के पीछे बता रहे थे कि यहाँ पे आप गोदान से ही सारा काम होता है, कोई वीडियो देख रहा होगा, नीलकंठ मंदिर आता है, वो गौशाला आता है, अगर कोई इच्छा होगा, गो भक्त होगा, वो दान करना चाहेगा या गौ सेवा के लिए प्रति उसकी भावना है, तो वो कैसे हेल्प कर सकता है और यहाँ पे क्या जरिया है, कैसे यहाँ पे पहुँच सकता है? क्या? अगर कोई गौ सेवा करना चाह रहा है, कोई दान करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हेल्प कर सकता है कोई किसान भाई यहाँ पे पहुँचना चाह रहा है गौ भक्त, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? वो जो हमारे नीलकंठ धाम की ऐप चल रही है, ऐप में पूरा जो दान करने के चाहते हैं, तो इनमें से 500 रुपये से 21,000 तक दान होता है, वो तिलक आपको करना पड़ता है। वो नीलकंठ धाम में गौ धाम अंदर एजुट करता है, वो एजुट करने के बाद जो गौशाला में दान आ जाते हैं, तो मतलब जो 1 महीने का गौशाला का खर्च होता है 5.5 लाख रुपये का खर्च होता है 1 महीने में, 5.5 लाख। तो सर ये खर्चा निकलता कैसे है इतना? तो आपके पास दूध, आपने बताया कि सारा सुबह नीलकंठ महाराज के वहाँ पे चढ़ावा होता है, और इतना प्रोडक्ट भी बनते नहीं है, और 15 लेबर भी आपने रख रखा है, अपने गौ सेवक रख रखे हैं, तो ये खर्चा वर्चा कैसे निकलता है, क्या यहाँ पे दान होता रहता है, कैसे निकलता है? वो तो मंदिर जो जितना खर्चा आते हैं, दान आते हैं, इसमें चलाते हैं, बाकी जितना घटते हैं तो मंदिर के अंदर ट्रस्ट के हिसाब से मंदिर है, वो इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।